चाहत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, इबादत जरूरी है, जरूरत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर मैसेज का तुरंत जवाब आए। जरूरी नहीं कि तुम्हें वीडियो कॉल करने के लिए वो 4G कनेक्शन लगवाए। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर फोटो पर उसका लाइक और कमेंट भी आए। जरूरी नहीं कि गुड मॉर्निंग के बाद रात को गुड नाइट का मैसेज भी आए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। जरूरी नहीं कि सागर हमेशा नदी के इंतजार में हो। जरूरी नहीं कि परवाना हमेशा लौ के प्यार में हो। शायद सागर जानता हो कि अंत में नदी उसमें ही समाएगी। शायद परवाना समझता हो कि ये तो लौ है, बुझ ही जाएगी। जिससे मिलना ही है उसके इंतजार में रातें क्यों बिताएं? जिसे पूछना ही है उसे बार 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 क्यों चलाएं? प्यार और इश्क का फर्क समझने में हम मोहब्बत ना भूल जाएं। तो बस इतना याद रखिए कि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। लेकिन फर्ज करो कि वो वॉइस कॉल करे सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज सुनने के लिए। फर्ज करो कि वो वीडियो कॉल करे सिर्फ तुम्हारे माथे की शिकन हटाने के लिए। फर्ज करो कि उसकी फोन स्क्रीन पर जब जब तुम्हारा नाम आता हो वो सजदे में झुककर तुम्हारे होने का शुक्र मनाता हो। फर्ज करो कि तुम्हारे हर लफ्ज को वो अपने जहन में बिठाए। फर्ज करो कि तुम्हें देख कर उसे गुलजार की कोई नज्म याद आए। फर्ज करो कि उस नज्म को वो तुम्हें 116 चांद की रातें सुनाए। फर्ज करो कि वो अमृता की तरह तुमसे फिर मिलने की आस लगाए और तुम में सिर्फ साहिर की अस्थियाई नहीं इमरोज का ठहराव भी पाए। फर्ज करो, सोचो, सपने देखो, उम्मीद भी रखो, लेकिन फिर भी याद रखो कि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। अपने प्रेमी को उसकी खुद की नज्म लिखने दो, उसको अपनी कहानी अपनी जुबानी व्यक्त करने दो। प्यार की भाषा को पूरी तरह कभी जानना नहीं पड़ता और जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता। जरूरी बस इतना है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो अपने तरीके से, अपनी तरह से, लेकिन पूरी चाह से प्यार तो जताए और सिर्फ जरूरत नहीं चाहत बन जाए, मोहब्बत बन जाए, इबादत बन जाए। थैंक यू।